तो आप सब का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। नमस्कार सभी को। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करता हूँ। कहानी का प्रसंग कुछ इस तरह से है कि जब रामचंद्र भगवान लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो समुद्र में उन्हें पुल बनाना था। आप सभी जानते होंगे राम के पास जितनी भी वानर सेनाएं थी, भालू था, रीछ थे, सभी लोगों ने मिलकर पुल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। एक दिन क्या हुआ कि रामचंद्र जी वहीं पर टहल रहे थे तो उन्होंने देखा एक छोटी सी गिलहरी समुद्र में जाती, अपने शरीर पर पानी लगाती और सामने आकर के जहाँ पर रेत के कण थे वहाँ लोटपोट हो जाती, जिससे कि रेत के कण उसके शरीर पर चिपक जाते। फिर वह गिलहरी पुल पर जाती, अपने शरीर को झाड़ती और रेत के कणों को पुल पर गिराती, फिर वापस समुद्र में नहाती, शरीर को भिंगोती और रेत के कणों को फिर से उसी प्रकार से ले जा करके पुल में गिराती। तो जब भगवान ने इन्हें इस चीज़ को देखा तो उन्होंने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। गिलहरी का जवाब सुनिएगा और सोचिएगा। गिलहरी ने कहा कि भगवान, मैं तो भालू, बंदर और रीछ जितनी बड़ी नहीं हूँ कि बड़े बड़े चट्टान को उठाकर आपके लिए पुल का निर्माण में सहयोग कर सकूँ। मैं छोटी सी गिलहरी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब आप एक अच्छे कार्य कर रहे हैं, जब असत्य पर सत्य की लड़ाई होने वाली है, अन्याय पर न्याय की जीत होने वाली है, तो इस कार्य में मैं भी थोड़ा सा सहयोग करूँ और मुझसे जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। मैं अपने शरीर से जितने रेत के कणों को उठा पाती हूँ भिंगाने के बाद उसे जाकर के मैं पुल में गिराती हूँ। यह सुनकर के रामचंद्र भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दोस्तों, कहानी इतना ही था। इस कहानी का मोरल यह है, हमसे जितना हो सके हमें उतना करना चाहिए। हम जहाँ भी हैं, जिस पद पर भी हैं, हमसे जो हो सके, हम जो अधिक से अधिक कर सके वो हमें जरूर करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा कार्य कितना छोटा है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा विजन कितना बड़ा है। हमारे विजन बड़े होने चाहिए। कार्य और एक्शन छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो सोच होगी, जो विजन होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। आज की कहानी को मैं यही समाप्त करता हूँ और आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जहाँ भी हों अपना बेस्ट कीजिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। धन्यवाद।